अस्सलाम वालेकुम जी, लाइव वालों में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे जी। आज मैं आपके लिए जो लाई हूँ, सामने जो पड़ा हुआ है मेरे, वो बहुत ही ज़बरदस्त सी जी एक है, जो रोल है वो है एक न्यू स्टाइल के रोल, यानी कि चिकन चीज़ रोल। ये आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बारबेक्यू टच है इसका, चिकन बारबेक्यू चीज़ी रोल है इसका कम्प्लीट नाम है जी। इसको आप ट्राई करें, अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये कैसे लगे। वीडियो आप जाके देखें, मैं कर रही हूँ इसको इंजॉय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चीज़ रोल बनाने के लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले पैन में मीडियम फ्लेम पर रखना है पैन, उसके अंदर डालना है एक चम्मच जो है वो वेजिटेबल ऑयल। उसके साथ ही हम डाल देंगे उसमें ऑनियन, जो कि मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप किया हुआ। उसके साथ ही मैं डाल दूँगी, यहाँ पर मेरे पास है जनाब 200 ग्राम जो है चेस्ट पीस था मेरे पास 200 ग्राम, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉईल किया हुआ चेस्ट पीस है जिसको तरह से कर लेंगे 200 ग्राम चेस्ट पीस हो गया, इसमें बॉईल हुआ हुआ चेस्ट पीस है। और उसको बॉईल करने के बाद छोटे छोटे पीसेस कर लें, या अगर रेशे निकाल सकते हैं उसके रेशे करके छोटे छोटे करके आप उसमें डाल दें। और एक मीडियम साइज़ का ऑनियन है, एक स्पून जो है वेजिटेबल ऑयल के अंदर उसको सब मिक्स कर लिया जी। अब इसमें जाएगा और ग्रीन ऑनियन मेरे पास है, और वो जाएंगे जनाब 1, 2, 3, 4, 5 चम्मच, छोटा चम्मच 5 ग्रीन ऑनियन डाल दिया मैंने स्लाइस किया हुआ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ बंद गोभी क्रश हुई हुई, या आपके पास ऑप्शन है डालना है तो डालें, बंद गोभी ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये चीज़ रोल्स हैं, बारबेक्यू चीज़ रोल हैं, तो उनमें ये ऑप्शन होती है बंद गोभी और गाजर। तो मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने इस तरह से इसमें डाल दी, अगर आपने डालना है तो डाल लें, कोई हर्ज नहीं है। अक्सर बाज़ार में जो मिलते हैं वो उनमें कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती, तो एक चम्मच मेरे पास भर के यहाँ पर खाने का मैंने गाजर क्रश करके डाल दी है, और 2 चम्मच यहाँ पर तकरीबन मेरे पास थे गोभी के, तो वो क्रश कद्दूकस हुई भी, तो वो भी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। इसमें जो मसाला जाएगा जनाब, नेशनल का टिक्का मसाला पूरा जो मैंने एक साशे मिलता है किसी भी स्टोर से, ये इसमें चला जाएगा एक पैकेट। इसे मैंने कोई अदरक से नमक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, ये मसाला इसमें जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जाएंगे 2 खाने के चम्मच सोया सॉस के भर के। ठीक है जी, 1 चम्मच यहाँ पे जाएगा विनेगर ऐड, 1/2 खाने का चम्मच। जो लास्ट इंग्रेडिएंट होगा इसमें डालने वाला वो मैं डालूँगी टमाटर, मोज़ेला और चैटर दोनों चीज़ से, ये 200 ग्राम की है। मैं इसमें हाफ हाफ दोनों का क्यूब देकर जो है वो इसमें कद्दूकस करके ऐड करूँगी। जहाँ मैंने इसमें हाफ हाफ बार 200 ग्राम चैटर और मोज़ेला की जो हाफ हाफ बार थी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और इसको अब मैंने फ्लेम जो है वो कर लेना है जनाब। फ्लेम को मैंने लो, और क्योंकि उस लो फ्लेम में जो चीज़ है वो होगी अब मेल्ट, और सारे में जो है ना मिक्स टेक्सचर जो है मिक्सचर जो है सारा रेडी के हुआ हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी। इसी में अब जो चीज़ होगी वो होगी जनाब मेल्ट होगी, और मैं अब इसको मेल्ट करके इसको दूंगी आखिर में, क्योंकि बारबेक्यू समोसा है चिकन का तो रोल है सॉरी, तो इसको लगेगा धुआं, कोयले का धुआं। तो मैं कोयला करती हूँ गरम दूसरे स्टोव पर, और कोयला रेडी करती हूँ, यहाँ पर जो है वो चीज़ मेल्ट होगी तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो मैंने अब स्टोव जो लो फ्लेम था पैन का जो मैंने अब बंद कर देना है, और इस पर जो है वो पैन गर्म है तो वो चीज़ ऐसा ऐसा मेल्ट खुद ही होती रहेगी, लेकिन मैंने प्रॉपर हीट पर इसको मेल्ट नहीं करना, सो मैंने इसको बंद कर दिया फ्लेम जी। तो कोयले का धुआं लगाने के लिए मैंने फॉइल पेपर में कोयला रख दिया, और मैं अब इसमें ऑयल डाल के ज़रा सा तो मैं इसको कर दूँगी कवर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से। इसमें जो मिक्सर तैयार किया है चीज़
बारबेक्यू चीज़ रोल के लिए, तो उसमें स्मोक का जो अच्छा टेस्ट फ्लेवर आ जाएगा। तो 2 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ओके, हम निकाल लेंगे इसको, देखें जी अच्छे से। अब मैं इसको ये अलग कर लूँगी जी, ये जो है निकाल लेंगे सब उसमें रहीम। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ रोल के लिए चाहिए। मेरे पास यहाँ बाउल में है वो मिक्सचर सारा चीज़ चिकन का, और यहाँ पर मेरे पास है पेस्ट जो मैंने अंडा, एक अंडा लेकर मैंने उसको जो बीट कर लिया ऐसा से। और यहाँ पर मेरे पास फूल पट्टी, किसी भी कंपनी की आप फूल पट्टी ले सकते हैं। अच्छा जी, रोल के लिए ना मैंने बड़ी सी ट्रे ले ली है प्लास्टिक की, तो उसमें मैंने रोल पट्टी जो है पूरी इस रखनी है, ठीक है। और इसको मैंने जो है इसकी साइडों पर ना लगा देना है। अंडे की मदद ब्रश की मदद से लगाना चाहें ब्रश की मदद से लगा लें, चम्मच की मदद से लगाना चाहें चम्मच की मदद से लगा लें जी। ये देखिए हाथ की मदद से लगाना चाहिए हाथ की मदद से लगा लें, कोई मसला नहीं जी। अब हल्का सा इसको कर लिया है मैंने, अंडे अंडे को लगा दिया अंडे साइडों पे। और इसको जी मैंने यहाँ से लिया, पहले मैं इसको करूँगी फोल्ड चारों तरफ से इसको। अंडे आप कभी ना आटे की जो लगी होती है वो मत रेडी कीजिएगा, इससे रेड मत बनाइएगा, क्योंकि आटे से सोगी सब बन जा हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद रखे रहो तो सोगी सोगी से हो जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता खाने का। आप ट्राई किया करें कॉर्नफ्लोर वरना फिर अंडा। अच्छा जी, ये आपने चम्मच लिया चिकन और चीज़ का ज़बरदस्त, और उसमें से कोयले का स्मोक दिया, धुआँ जो लगा है बहुत ज़बरदस्त जी, कर दिया जी। अब आपने इसको रोल की शेप लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइडों का अगर बंद करना चाहे तो आप साइडों से इसका बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए रोल तैयार, इस तरह मैं जो है वो एक प्लेट रोल तैयार कर लूँगी। आपके सामने फ्राई किस तरह करूँगी ये भी आपको दिखाती हूँ। पैन जो है वो लो मीडियम फ्लेम पर हो चुका है गरम पैन में, और अब मैं इसके अंदर रोल डाल देती हूँ और इसको जो है वो फ्राई कर लेते हैं हम, गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरह फ्राई कर लेते हैं सारा दोनों साइड से, और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसकी जी। जहाँ तो फ्राई हो चुके हैं रोल, केचप के साथ इंजॉय कीजिए।